हेलो फ्रेंड्स आप सबका कक्षा ग्यारह भूगोल विषय के अध्याय दस वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों के अभ्यास के इस क्लास में हार्दिक स्वागत है हमने आपकी भूगोल विषय के अध्याय से लेकर नौ तक सभी चैप्टर्स के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्ले पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय दस के अभ्यास प्रश्नों की तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं देखें पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है पहला प्रश्न दिया गया है यदि धरातल पर वायु एक हजार मिली बार हो कितना हो यदि धरातल पर वायु एक हजार मिली बार हो तो धरातल से एक किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा तो प्रत्येक एक किलोमीटर की ऊंचाई पर जो आपका दाब है वायु दाब वो कितना कम होता है सौ मिली बार कम होता है तो यानी कि एक किलोमीटर की ऊंचाई पर जो धरातल का तापमान होगा सॉरी धरातल का वायुदाब होगा वो होगा नौ सौ मिली बार ये आपको ध्यान रखना है कि एक किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना कम हो जाएगा माइनस सौ यानी सौ मिली बार कम हो जाएगा दूसरा प्रश्न है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होते हैं अंतर उठिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है वो पाए जाते हैं विषुवत वर्त के निकट पर कहा पाए जाते हैं के निकट इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं अगला प्रश्न है आपका उत्तरी गोलार्ध में कौन से गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी उत्तरी गोलार्ध में जब निम्न वायु वायुदा की स्थिति बनेगी तो ऐसी स्थिति में उसके चारों तरफ जो पवनों की दिशा है वो कौन सी होगी तो ऐसी स्थिति में जो पवनों की दिशा है वो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के क्या होगी विपरीत होगी ठीक है घड़ी की सुई जो चलती है उस सुई की दिशा के क्या होगी विपरीत होगी ठीक आगे बढ़ते हैं वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं वायु राशियों के निर्माण के जो उद्गम क्षेत्र हैं वो इनमें से हैं साइबेरिया के मैदानी भाग कौन से हैं साइबेरिया के मैदानी भाग जहां पर वायु जो राशिया है उसके निर्माण के उद्गम क्षेत्र स्थित है यानी जहां पर वायु राशियों का क्या होता है निर्माण होता है आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में दीजिए आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में देना है पहला प्रश्न है वायुदाब मापने की इकाई क्या है और इसी के अंदर दूसरा प्रश्न है मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है दो प्रश्न है पहला वायुदाब मापने की इकाई क्या है तो वायुदाब को मापने की जो इकाई है वो क्या है मिलीबार है क्या है मिलीबार दूसरा तो प्रश्न लिखा हुआ है कि जब हम मौसम मानचित्र बना रहे होते हैं उस समय किसी स्थान का जो वायु दाब है, उस स्थान के वायु दाब को समुद्र तल, तो तल तक क्या किया जाता है घटाया जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट वायु क्या होती है सघन होती है वायु अधिक मात्रा में मौजूद होती है और इसी कारण से वहां का दब क्या होता है अधिक होता है और इसी कारण से उस दब को समुद्र तल तक क्या किया जाता है घटाया जाता है यही कारण है उम्मीद करता हूं आपको उत्तर समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो कौन सा बल दाब प्रवणता बल जब उत्तर से दक्षिण दिशा की हो तरफ हो अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से वर्त की ओर हो तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण में पवने उत्तरी पूर्वी क्यों होती है प्रश्न क्या कह रहा है कि जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसमें जो पवने हैं वो उत्तरी पूर्वी पवने क्यों होती है इसका कारण बताना है आपको तो देखें बल दाब प्रवणता के समकोण पर क्या करता है कार्य करता है कौन सा बल कोरियोलिस बल है वो दाब प्रवणता के समकोण पर क्या करता है कार्य करता है दाब प्रवणता जो बल है दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है कहां पर जो समान दाब वाली रेखाएं होती है उनके समकोण यानी बिल्कुल रम्मवत कार्य करता है कौन सा बल दाब प्रवणता बल जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग भी क्या होगा उतना ही अधिक होगा यानी दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक क्या होगी विक्षेपित होगी पवनों की दिशा क्या होगी उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी यानी कि बदलती रहेगी इन दो बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण निम्न दाब वाले क्षेत्रों में जो पवने होती है वो इन्हीं के इर्द गिर्द क्या होती, होती है बहती है यानी ये जो दाब प्रवणता बल है और जो कुरियोलिस बल है ये एक दूसरे के क्या करते हैं समकोण कार्य करते हैं और जब ये दोनों एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं तो जो निम्न दाब वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो पवने हैं वो इन्हीं बल के आसपास क्या करती है इर्द गुर्द बहने लगती है आप सब जानते होंगे जो पवने हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है इसीलिए जो दाब प्रवणता बल है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होता है कहां पर होता है उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनमें जो पवने हैं वो उसी दाब प्रवणता बल के कारण कौन का सी दिशा में होती है उत्तरी पूर्वी दिशा में होती है ये इसका कारण है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या भूविक्षेपी पवने क्या है प्रश्न क्या exactly. है कि भूविक्षेपी पवने क्या होती है तो जब समदाय रेखाएं कौन सी रेखाएं समदाब रेखाएं सीधी हो जब समान दाब वाली रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव बिल्कुल न हो तो ऐसी स्थिति में जो दाब प्रवणता बल है वो कोरियोलिस बल से क्या हो जाता है संतुलित हो जाता है जब समांतर थर... सॉरी समदाब रेखाएं यानी जैसे समदाब रेखाएं हैं समान दाब वाली रेखाएं ये क्या है एकदम सीधी है और इन पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो भी क्या है बिल्कुल न के बराबर है तो ऐसी स्थिति में जैसे डाब प्रवणता बल इस तरह लग रहा है और कोरियोलिज बल इस तरफ लग रहा है तो एक दूसरे को अगर संतुलित कर देते हैं तो जो पवने हैं वो समदाब रेखाओं के समानांतर बहना शुरू कर देती है यानी इसी दिशा में पवने भी बहना शुरू कर देती है और ये पवने हैं ये जो समानांतर बहने वाली जो पवने हैं समदाव रेखाओं के समानांतर बहने वाली जो पवने हैं उन्हीं पवनों को भूवैक्शेपी पवनों के नाम से जाना जाता है

समीर का मतलब किससे है पवन से ठीक है तो समुद्री पवन और स्थलीय पवन का आपको क्या करना है वर्णन करना है कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं या इनका निर्माण कैसे होता है या कैसे बहती है तो देखें दिन के समय क्या होता है सूर्य की गर्मी के कारण जो स्थलीय भाग है वो समुद्र की अपेक्षा क्या हो जाता है ज्यादा गर्म हो जाता है दिन के समय सूर्य के ताप के कारण जो स्थलीय भाग है वो समुद्र की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाता है और जब गर्म होगा तो ऐसी स्थिति में उसका जो वायु है वहां पर जो तापमान की स्थिति है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ज़्यान? जब तापमान कम हो जाएगा तो स्थल पर जो हवाएं हैं वो क्या होगी ऊपर उठती है और ऐसी स्थिति में वहां पर तापमान कम होने के कारण कौन सा क्षेत्र बन जाता है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है है जबकि उसी समय समय दिन के समय, जो समुद्र वो समुद्र वाला भाग कैसा होता है अपेक्षाकर्त ठंडा रहता है और उन पर क्या होता है उच्च वायु दाब की स्थिति बनी रहती है समुद्र पर कैसी स्थिति बनी रहती है उच्च वायु दाब की क्योंकि वहां पर तापमान क्या होता है कम होता है इससे होता तो क्या है कि जो पवने है वो समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न करती है यानी उच्च वायु दाव से निम्न वायु की ओर पवनों का प्रवाह शुरू हो जाता है और फिर पवने हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर यानी समुद्री पवनों के, रू के रूप में क्या होती है प्रवाहित होती है वही बात करें रात्रि के समय तो ये स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है रात में क्या हो जाता है जो स्थलीय भाग है वो क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है और जो समुद्री भाग है वो दिन की गर्मी के कारण जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता यानी जो स्थलीय भाग है वो तो समुद्र की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है लेकिन जो समुद्री भाग है वो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता यानी ऐसी स्थिति में निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो समुद्री भाग पर बन जाता है और जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है वो स्थलीय भाग पर बन जाता है और ऐसी स्थिति में जो पवने हैं वो स्थल से समुद्र की ओर क्या होती है प्रवाहित होती है और ऐसी पवनों को स्थल समीर यानी स्थलीय पवनों के नाम से जाना जाता है तो ये दोनों में अंतर है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा फिर से एक बार सुन लो होता क्या है कि दिन के समय जो सूर्य है वह सूर्य के प्रकाश के कारण जो स्थलीय भाग है वो क्या हो जाता है वो हो जाता है गर्म गर्म होने का मतलब है तापमान कैसा हो जाएगा कम और जब तापमान कम होगा तो जो वायु है यहाँ की वो वायु क्या होगी ऊपर उठेगी वायु जब ऊपर उठेगी तो यहां पर कौन सा क्षेत्र बनेगा निम्न वायु दाब का कौन सा बनेगा निम्न वायु दाब का भाई उस समय जो समुद्री भाग है समुद्री भाग ज्यादा गर्म नहीं होता है तो यहां पर कौन सी स्थिति होती है उच्च वायुदाब की कौन सी स्थिति होती है उच्च वायुदाब की तो पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायुदाब की ओर बहना शुरू हो जाती है कब दिन के समय तो ऐसी पवनों को कहते हैं समुद्री पवने और रात के समय यह स्थिति उल्टी हो जाती है रात में जो स्थलीय भाग है वहां पर कौन सी स्थिति बन जाती है उच्च वायुदाब की कौन सी उच्च वायुदाब की और जबकि समुद्र पर कौन सी स्थिति बन जाती है निम्न वायुदाब की तो ऐसी स्थिति में पवने स्थल से समुद्र की ओर बहना शुरू हो जाती है तो ऐसी पवनों को कहते हैं स्थलीय तो पवन यही दोनों में अंतर है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए पहला प्रश्न है पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए यानी ऐसे कौन कौन से कारक या है फैक्टर हैं जो पवनों की दिशा और उसकी वेग को प्रभावित करते हैं उन कारकों को आपको संक्षिप्त विवरण के साथ बताना है ठीक है तो पवनों की दिशा और वेग तीन संयुक्त प्रभावों के कारण क्या होते हैं प्रभावित होते हैं तीन ऐसे प्रमुख कारण है जो एक दूसरे के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पवनों की दिशा और वेग को क्या करते हैं प्रभावित करने का काम है है बल।, बल जो वायुमंडलीय दाब है वायुमंडलीय दाब की जो भिन्नता है एक स्थान पर अधिक वायुमंडलीय दाब है तो दूसरे स्थान पर कम है ये जो भिन्नता है वो एक बल क्या करती है उत्पन्न करती है और दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर क्या है दाब प्रवणता है दूरी के संदर्भ में अगर हम दाब परिवर्तन की दर की बात करें तो उस दर को ही कहते हैं दाब प्रवणता जहां पर समदाब रेखाएं पास पास होती है वहां दाब प्रवणता अधिक होती है और जहां समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होती है वहां पर दाब प्रवणता क्या होती है कम होती है ठीक है दूसरा कारण है घर्षण बल तो घर्षण बल है यह भी पवनों की गति को क्या करता है प्रभावित करता है आप सब जानते होंगे कि सबसे जो अधिक घर्षण है वो कहां पर होता है धरातल पर होता है और इसका जो ज्यादातर प्रभाव है वो धरातल से एक से लेकर तीन किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है यहाँ पर जो घर्षण बल है वो बहुत अधिक कार्य करता है और समुद्र सतह पर जो घर्षण बल है वो क्या होता है बिल्कुल न्यूनतम होता है तो घर्षण बल भी पवनों की दिशा या गति को क्या करता है प्रभावित करता है अगला जो कारक है वो है कोरियोलिस बल कौन सा है कोरियोलिस बल तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर गोडन पवनों की दिशा को क्या करता है प्रभावित करता है यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी पवनों की दिशा को क्या करता है प्रभावित करता है सन अठारह में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण क्या किया था प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को क्या कहा गया कोरियोलिस बल कहा गया ठीक है इस प्रभाव से होता है क्या है कि जो पवने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं तरफ क्या होती है विक्षेपित होती है या बहने लगती है तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि एक तो दाब एक घर्षण बल और एक कोरियोलिस बल ये जो तीन कारक हैं ये संयुक्त रूप से मिलकर पवनों की दिशा और वेग को क्या करते हैं प्रभावित करने का काम करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी पर वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण का वर्णन करते हुए चित्र बनाइए और तीस डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पर, पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के संभव कारण बताइए सबसे पहले आपको पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण तंत्र है उसका एक चित्र बनाना है और उसके बाद बताना है कि तीस डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां पर उच्च वायुदाब के संभावित कारण बताने हैं किन कारणों वहाँ की वजह से वहां पर उच्च वायु दाव की स्थिति रहती है तो यह आपके सामने जो चित्र दिया गया है वो पृथ्वी पर वायु का सामान्य परिसंचरण दिया गया है कि किस प्रकार पवनों का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा में होता है और किस प्रकार एक संपूर्ण जो वायुमंडलीय संरचना है या उस आधार पर जो पवनों का वर्गीकरण है या पवनों की जो दिशा है वो किस प्रकार बदलती रहती है कौन कौन सी प्रकार की पवन बहती है किस किस दिशा में बहती है किस समय पर बहती है इनका तापमान अक्षांशों पर किस तरह प्रभावित होती है इनके द्वारा इन सभी चीजों की चर्चा है वो इस चित्र में की गई है ये चित्र आपने चैप्टर की व्याख्या में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये आपका चित्र है वो है पृथ्वी पर वायुमंडलीय के पृथ्वी पर वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण का कि वायु यानी पवने हैं वो किस प्रकार परिसंचरित होती है आगे इसमें प्रश्न दिया गया है कि तीस डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों पर जो उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर उच्च वायुदाब के संभावित कारण बताने हैं वो कारण कौन कौन से हैं तो देखें कि वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण महासागरीय जल को भी क्या करता है गतिमान करता है यानी ये जो वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण का जो हमने चित्र देखा इसमें जो पाई जाने वाली जो पवने हैं वो पवने महासागरीय जल को भी क्या करती है गतिमान करती है जो पृथ्वी की जलवायु को क्या करता है प्रभावित करता है यानी महासागरीय जल जब गतिमान होता है तो वो पृथ्वी की जलवायु को भी क्या करता है प्रभावित करता है उच्च सूर्याताप व वा निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में क्या होती है ऊपर उड़ती है उष्णकटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में क्या करती है लगातार अभिसरण करती है अभिसारी वायु संवहन पोस्टों के साथ क्या होती है ऊपर उठती है और यह क्षोभमंडल के ऊपर लगभग चौदह किलोमीटर की ऊंचाई तक होती की क्या होती है ऊपर हो उठती है? है और फिर ध्रुवों की तरफ क्या होती है प्रवाहित होना शुरू हो जाती है अवतालन होता है क्या होता है अवतालन और यह उपोष्ण उच्च दब बनाता है और जब एकत्रित वायु का अवतालन होता है तीस डिग्री उत्तरी व तीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जब वायु एकत्रित हो जाती है और उसके बाद जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर उच्च दाब की स्थिति बनती है अवतलन का अवतलन का मतलब है कि जो वायु है उसका एक जगह एकत्रित होना और वायु दब में क्या करना कमी करना ठीक है सॉरी वायु का एक जगह क्या होना एकत्रित होना जब वायु जब एक जगह एकत्रित हो जाएगी उसके सघन हो जाएगी वायु यानी वायु बहुत ज्यादा संगठन हो जाएगी एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या करेगी वो उच्च वायुदावी के क्षेत्र का निर्माण करेगी तो जब दक्षिणी तीस डिग्री उत्तरी और तीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है तो वहां पर इस एकत्रित वायु का क्या होता है अवतलन होता है यानी वो एक जगह बहुत एकटित हो जाती है संगणित हो जाती है और इस वजह से जो उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर उच्च दाब की स्थिति बन जाती है अवतलन का कारण एक, एक यह भी है कि जब वायु तीस डिग्री उत्तरी व तीस डिग्री दक्षिणी पर पहुंचती है तो क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है और जैसे ठंडी हो जाती है तो वो एक जगह होती है यानी अब क्या होती है अवतलित होती है संगणित होती है और उसी वजह से वहां का जो तापमान है वो क्या हो जाता है तापमान भी कम हो जाता है और उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है आए समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है क्या बोल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है पहला प्रश्न दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के किस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और उच्च वेग की पवने चलती है और क्यों यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के किस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है किस भाग में उच्च वेग की पवने चलती है और क्यों यानी इसके पीछे कारण क्या है यानी टोटल इसमें चार प्रश्न शामिल है ठीक है देखे चार प्रश्न कौन कौन से हैं एक तो समुद्रों पर क्यों होती है फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के किस भाग में मूसलाधार बारिश होती है कौन से भाग में उच्च वेग की पवने चलती है और क्यों चलती है इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको बताना है तो देखें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न वह क्या होते हैं विकसित होते हैं यानी जितने भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में ही उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां ये है यानी ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं तो देखें पहला कारण है समुद्री सतह यानी जो महासागर है वहां पर एक बहुत बड़ा समुद्री सतह उपलब्ध होती है जहां तापमान सत्ताइस डिग्री सेल्सियस से क्या नहीं हो अधिक नहीं हो जहां पर तापमान सॉरी सताइस डिग्री सेल्सियस से क्या हो अधिक हो ऐसा जो वृहत समुद्री क्षेत्र है वो कहा पर उष्ठिबंधीय महासागरों में ही उत्पन्न हो पाता है ठीक है दूसरा कारण है बल का होना। दूसरा कारण कौन सा है बल का होना। तीसरा पवनों की गति में क्या होना अंतर तो कम होना चौथा कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना और पांचवा कारण है समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण

समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी क्या होना अपसरण होना तो ये तो कारण था कि जो उष्ण चक्रवात है वो केवल समुद्रों पर क्यों होते हैं दूसरा कारण था कि जो उष्ण चक्रवात है उसके कौन से भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और कौन से भाग में उच्च वेग की पवने चलती है तो मूसलाधार वर्षा और उच्च वेग की पवने उष्ण चक्रवात के अशुभिति क्षेत्र में क्या होती है चलती है अशुभित क्षेत्र का मतलब क्या है कि इसका जो केंद्रीय यानी अक्षु क्षेत्र है वो कैसा होता है शांत होता है जहां पर पवनों का क्या होता है पवनों का अवतलन होता है पवन एक जगह एकत्रित होती है अक्षु के चारों तरफ क्या होती है चारों तरफ अक्षुभित होती है जहां वायु का प्रबल एवं वर्ताकार रूप में क्या होता है आरोहण होता है यानी वायु प्रबल एक चक्र के रूप में क्या करती है एक चक्र का निर्माण करती है यह आरोहण शुभ सीमा की ऊंचाई तक क्या होता है पहुंचता है आरोहण का मतलब घुमावदार चक्र इसी क्षेत्र में पवनों का वेग क्या होता है अधिकतम होता है जो लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है तो ये क्या हो गया कारण कि कौन से भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और कौन से भाग में उच्च वेग की पवने चलती है तो ये जो मूसलाधार वर्षा और उच्च वेग की जो पवने हैं वो चक्रवात का जो अक्सुभित क्षेत्र होगा यानी उसका जो केंद्रीय भाग जो बिल्कुल शांत होता है जहां पर पवनों का क्या होता है अवतलन होता है पवने एकत्रित होती है उस वाले भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और उच्च वेग की पवने चलती है ठीक है तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय दस के अभ्यास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से जान लिया है उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत